क्या हुआ संतोष, बताओ हमें। होली से बहुत डर लगता है मैडम सर। हमारे होते हुए होली से कैसा डर संतोष जी? सॉरी। आज से कुछ साल पहले होली के दिन अपने गांव में थी मैं। मोहल्ले के बाहर कुछ लड़कों ने घेर लिया था मुझे मैडम सर। कहते रहे कि बुरा ना मानो होली है। बहुत रिक्वेस्ट की मैंने उनसे मैडम सर, बहुत बोला कि मत लगाओ रंग, लेकिन नहीं सुना उन्होंने। जिस तरह से वो मेरे करीब आए, जबरदस्ती मुझे रंग लगाया और जैसे छुआ उन्होंने मुझे, जिन नजरों से उन्होंने मुझे देखा, तब से मुझे होली से चिढ़ोने लगी मैडम सर। इसीलिए हर साल होली के दिन छुट्टी लेती हूँ मैं और घर पर बंद रहती हूँ। ये भी कोई तरीका हुआ त्योहार मनाने का? मस्ती मजाक में लोगों की जान भी जा सकती है, पता नहीं कब समझेंगे ये सब कुछ। इसी तरीके लोगों को सीधा करने के लिए हमने ये वर्दी पहनी है पुष्पा जी। संतोष शर्मा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हम अच्छे से समझते हैं, लेकिन तुम्हें डर से नहीं हिम्मत से काम लेना होगा। सॉरी मैडम सर, ये पॉसिबल नहीं है। संतोष शर्मा, ये पॉसिबल है क्योंकि उस वक्त आप छोटी थी, लेकिन अब आप पुलिस हैं। आपको अपनी ताकत समझनी होगी, अपने डर को हराना होगा। आपको सभी लड़कियों के लिए उदाहरण बनना है और सपोर्ट के लिए हम साथ में करिश्मा सिंह को भेजेंगे। करिश्मा मैडम, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो मैं आपको इशारा कर दूंगी। नहीं नहीं, हड़बड़ी नहीं करना है, कुछ गड़बड़ हुआ तो हमको बताना, हम आएंगे। हाँ ओके। ठोके? किसको ठोके? ओके ओके मैडम ओके। चिल्ला काय रही हो, ठीक है ना? दीदी आप आगे तो नहीं जा रही हैं? हाँ उसी तरफ जा रही हूँ। क्यों? अरे मत जाइए मैडम जी, आगे बहुत बदमाश लड़के खड़े हैं। देखिए उन्होंने हमें जबरदस्ती पकड़ लिया और रंग लगा दिया। मैडम आगे वो कुछ लड़के खड़े हैं। का? भड़के पड़े? वो भड़के नहीं, वो लड़के खड़े हैं मैडम, जिन्होंने इन तीनों लड़कियों को जबरदस्ती रंग लगाया, वो बदमाश आगे खड़े हैं। हाँ हाँ। कहाँ है वो लड़के बताओ हमको? वो लड़के आगे खड़े हैं। चलो चलो लेके चलो हमको। आइए मैडम। आइए मैडम जी। कहाँ हैं लड़के? मैडम जी आपके सामने ही तो हैं। तोपा। हसीना जी, कितनी बार हमने आपसे कहना चाहा, लेकिन हमेशा विफल रहे, लेकिन इस बार नहीं,
इस बार जरूर कहेंगे। अगर आपकी मोहब्बत हमारे साथ है तो हमारे रास्ते के फूल भी कांटे बन जाएंगे। हसीना जी, हम आपके समक्ष दो प्रस्ताव रखते हैं। पहले में आपकी अम्मी की खुशी है और दूसरे में आपकी। आपको स्वयं यह निर्णय लेना है कि कौन सा प्रस्ताव सबके लिए उपयुक्त है। क्या कर रहे हैं? हसीना मलिक है, कोई अपराधी थोड़ी है जो हमारे शब जाल में फंस जाएगी। जिस बात से बोलेंगे हसीना जी, जिस दिन से हमने आपको देखा है उस दिन से ये बहुत दिनों से आपसे कहने वाले थे। सर, आप घुटनों पर क्यों हैं सर? वो हमारे घुटने नीचे गिर गए थे तो क्या? अब मेरा मतलब है, हमारा मतलब है पुष्प नीचे गिर गए थे तो हम उन्हें उठा रहे थे, लेकिन आप इतनी शीघ्र यहाँ कैसे आ गई? जय हिंद सर। जय हिंद। ट्रैफिक नहीं था ना सर, होली की छुट्टियां चल रही है तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, इसलिए हम इतनी जल्दी पहुंच गए। वैसे आपके केबिन में ये फूल क्या कर रहे हैं सर? आज हमें भी बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिली, रास्ता पूरा खाली था, हमें रास्ते में ये पुष्प दिखाई दिए तो हमने खरीद लिए। आपको पसंद है तो आप रख लीजिए। सर प्लीज इन्हें हमसे दूर करिए प्लीज। क्यों हसीना जी, आपको ये पुष्प पसंद नहीं आए? नहीं नहीं पसंद है, लेकिन अच्छी हमें इन फूलों की एलर्जी है। किंतु हसीना जी, आपको ये पुष्प पसंद है? आपसे किसने कह दिया? वो फेस, हमारा मतलब है कि हमें लगा कि पुष्प देखकर आपके फेस पर स्माइल आएगी। सॉरी सर, स्माइल तो नहीं आई, पर हमें इन फूलों से छींक बहुत आती है। पर हसीना जी, हमें पता नहीं था। वैसे आप किस महत्वपूर्ण कार्य हेतु यहाँ आई हैं? परसों महिला पुलिस थाने में हम होली खेलने वाले हैं, छोटा सा इवेंट करने वाले हैं। बाकी सब चाहते हैं कि आप भी आएं, इसलिए हम आपको इनवाइट करने आए हैं। आप नहीं चाहती? हम भी चाहते हैं सर, अगर आप आएंगे तो हम सबको खुशी होगी। हम अवश्य आएंगे। धन्यवाद। हमें जाना चाहिए, वो एलर्जी बढ़ जाएगी। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। महाशय, ये बहुत ही कठिन काम है। जब भी वो हमारे सामने आती हैं तो बात बिगड़ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। आज का दिन हमारा नहीं था, लेकिन परसों अवश्य हमारा दिन होगा और उस दिन हम कोई गड़बड़ होने नहीं देंगे। रंग हटा के नहीं पुष्पा जी, बताइए हमको। उतर जाएगा। आज तक अमीनाबाद में कोई पैदा नहीं हुआ है माई का लाल जो हमसे पंगा ले सके, और ये बदमाश
इन बदमाशों ने सबके सामने हमको रंग लगाया, हमारे साथ ऐसा मजाक किया। नहीं छोड़ी, इनकी जिंदगी से हमने रंग नहीं उड़ा दिया ना पुष्पा जी, तो हमारा नाम भी करिश्मा सिंह ने। शांत हो जाइए आप। करिश्मा सिंह, ये क्या हुआ आपके साथ? किसने किया ये? जिन लड़कों ने इन पर पानी के गुब्बारे फेंके थे, उन्हीं लड़कों ने इनके साथ जबरदस्ती की और बदतमीजी से रंग लगाया। क्या? बस खुद में कितनी हिम्मत है दिखाने के लिए ये सब कर दिया। इनकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही खुल गई, करिश्मा सिंह के साथ बदतमीजी की। संतोष शर्मा का संतोष जी, आप बाहर आइए, आपको कुछ नहीं होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप थाने में हो, सेफ हो। नहीं, जहाँ करिश्मा मैडम जैसी ऑफिसर सेफ नहीं है, वहाँ कोई सेफ नहीं हो सकता। संतोष जी, वो चाबी दे दो। मैडम सर देखिए ना, वो लड़का लोगों के कारण संतोष जी कितना डरी हुई है। संतोष मैडम सर, आपने कहा था हमें कुछ नहीं होगा वहां। ये देखिए उन्होंने क्या किया। लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं ना, इन्होंने अभी तक हमारा भौकाल नहीं देखा, इनको घसीटते हुए हम थाना में लेकर नहीं आए ना, तो हमारा नाम भी करिश्मा सिंह है। कि मैया करिश्मा सिंह, रुकिए। नहीं मैडम सर, देखिए हमको वैसे भी ढंग से सुनाई नहीं आ रहा है, और हम ये सुनना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है आप हमें रोकेंगे। शांत हो जाइए, हम आपको रोक नहीं रहे, अब हम इन्हें सबक सिखाएंगे। जीते, चलो। संतो, आजा संतो, हम सब हैं, आजा। बदनाम जहर दे मुझे। क्या? भांग भांग पिया ये। बदनाम? हाँ। बदनाम चाय पिलाओ। अम्मा पिलाओगे आज? हाँ, ला रहे ला रहे ला रहे। अरे भाई, मैया की सासु, तुम्हारा कान बंद हो गया तो तुम्हारा आंख बंद हो गया क्या? ये क्या टोपा आदमी है भाभे? तुम सॉरी बोलने की जगह हमको थैंक यू बोल रहे हो। पुष्पा जी, इनको सुनाई दे रहा है? हाँ। अरे देखिए मैडम, थैंक यू बोलने की वजह समझते ना? हाँ। तो जब हम ना रहे थे तो हमारे कान में जो पानी घुस गया था, और पानी घुसने के बाद जो है हमको सुनाई देना बंद हो गया, और जैसे मैडम आपने जो हमको थप्पड़ मारा ना, खुदा कसम हमको सब सुनाई आ रहा है। क्या कहा इसने? नहीं पुष्पा जी, इनकी दुकान वापस बंद।
आपको सच में सुनाई नहीं दे रहा है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ना तुमको डायन? हाँ नहीं, हमको समझाइए का बोल रहा है ये। जब सुन पाती थी तुम चुड़ैल, तब तो कुछ सुनी नहीं हमारी बात। अब जब सुन नहीं पा रही हो तो हमसे बात सुनिए तुमको। हाँ करमजली पुष्पा जी, आराम से दुकान कभी भी खुल सकती है। हाँ। नहीं समझी? नहीं 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 नहीं, हमें समझाइए, हमें समझाइए। बिल्लू समझा। मैं कैसे समझाऊंगा, मुझे वापस भरतनाट्यम करना पड़ेगा। बिल्ले ओके। कहाँ बात कर रहे हो बिल्ले? घंटा आप लगाया तो सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, बदनाम लगाओ घंटा। पुष्पा जी, इनके दिमाग में पानी चला गया है। बताओ। अरे मैडम अच्छा हो गया हमको याद आ गया, हमको चाय देने जाना है। बिल्ले कंटाप लगाओ। मैडम मेरा हाथ तो यहाँ तक ही पहुंच रहा है, तो थप्पड़ तो इसको पड़ेगा। इकबाल कंटाप लगाओ, हमको जोर से कंटाप लगाओ। मैडम हमारा हाथ भी देखिए यहाँ तक कहाँ तक नहीं जा रहा है, ये देखो यहाँ तक जाएगा। मैं भाग। पुष्पा जी हमें कंटाप लगाइए, हमारा कान ठीक कीजिए। हम नहीं 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 नहीं, इसमें हम हमें मत घसीटिएगा। चौका लगा दीजिए, निकाल दीजिए सारे। पक्का पक्का पक्का। हाँ 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 लगाइए लगाइए लगाइए। आइए हटो मैदान। हाँ लगाओ। क्या धूल साफ कर रही है हमारे चेहरे से? नहीं जोर से लगाइए, हमारा कान ठीक कीजिए पुष्पा जी। नहीं नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा। हाँ माँ ऐसे कैसे मारिए ना, जोर से मारिए। माँ क्या कर रही हो, सोचो सोचो। ये आपकी बहू नहीं डायन है, चुड़ैल है ये। आप ही बात करती थी ना, आपकी हर बात को काटती है ये। माँ याद करो, वो जला हुआ खाना, वो जला हुआ पराठा, वो जली हुई दाल, आपके लल्ले को छीन लिया है इस डायन ने। आप लल्ले को जुर्म का गुलाम बना दिया है। करिश्मा सिंह बहुत जोर से लगी क्या? नहीं 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 बिल्ले। धन्यवाद पुष्पा जी। मुबारक हो। सुना इतिहास गवाह है, पहली दफा ऐसा हुआ है सास ने बहू को कंटाप लगाया और बहू ने धन्यवाद किया। इस तरह ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। सीधा नजर रखो, जितने भी मीडियम हाइट के 20-22 साल के लड़के दिखे ना, उन्हें पकड़कर सीधा जीप में बैठाओ। ठीक है मैडम जी। अभी होली मन रहा है पूरा। क्या हो रहा है यहाँ पर? चलो बैठो जीप में, थाने ले जाना है, रूटीन इंक्वायरी है, फिर छोड़ देंगे। चलो चलो हो गया, चलो हो गया हो गया। चलो का बाबू, बहुत अच्छा से होली मनाया जा रहा है ना। आइए आइए थाने में मिस्टर मित्र जाना। आइए मुकाता करे हो, रूटीन इंक्वायरी है, चलो ना यार आओ इधर आओ। चलो 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 हो गया। अभी पूछा है ना सबसे, उसका जवाब अभी क्या भी चाहिए हमको, समझ के तुम? यहीं अरेस्ट करेंगे, यहीं जेल में डाल देंगे। मैडम जी इतना कानून तो हम लोग भी जानते हैं, होली खेलना कोई जुर्म है क्या? होली खेलना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन किसी की इजाजत के बिना उसे कारण लगाना जुर्म है, इसलिए ज्यादा होशियार मत बनो। मैडम जी गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट भी होगा, खाना बनाने जाएंगे तो हाथ भी जलेगा, और होली के दिन बाहर जाएंगे तो थोड़ा बहुत रंग तो लग ही जाएगा ना। बड़े बड़े त्योहारों में ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं ना।
सर, ये हम कह रहे हैं ये इसी का ही कांड है, यही है इनका नेता, हम बता रहे हैं आपको। पर मैडम जी, आपके पास सबूत क्या है? मैडम सर, जिसने हमें रंग लगाया था ना, उसने स्कल वाला पेंडेंट पहना था, प्लीज चेक कीजिए। पेंडेंट दिखाओ। दिखाओ, जल्दी दिखाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.